पहले मंदिर फिर सरकार, जल्द से जल्द यह मंदिर बनेगा ही बनेगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किए रामलला के दर्शन। ठाकरे परिवार के साथ सभी सांसदों ने भी किए दर्शन। सुप्रीम कोर्ट से नहीं होते सभी फैसले, मोदी शाह हमारे सुप्रीम कोर्ट। अब नहीं होता इंतजार, मोदी योगी के नेतृत्व में हो मंदिर निर्माण। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। उनके साथ उनका परिवार और पार्टी के सांसद भी थे। दर्शन के समय शिवसेना ने राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाए जाने के संकल्प को दोहराया और कहा कि 2019 का जनादेश मंदिर निर्माण के लिए ही है। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण की रूपरेखा भाजपा ही तय करेगी, क्योंकि हम तो घटक दल हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए पीएम मोदी और अमित शाह ही सुप्रीम कोर्ट हैं, क्योंकि सभी मसले सुप्रीम कोर्ट से हल नहीं होते। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राम मंदिर बनेगा। रामलला हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि आस्था का विषय है। मंदिर का नारा ना तो शिवसेना भूली है और ना ही आरएसएस, विहिप और भाजपा, सभी को याद है। शिवसेना के सांसद शनिवार देर रात ही अयोध्या पहुंच गए थे। सांसदों का कहना है कि वे रामलला की धरती पर आकर खुद को धन्य मानते हैं। शिवसेना के सांसदों ने यह भी कहा कि अब इंतजार खत्म होना चाहिए और भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये शिवसेना ही नहीं संपूर्ण भारत का हिंदू समाज चाहता है। पिछले साल भी आया था, तब कुछ लोगों को ऐसे शायद लगा होगा कि राम मंदिर शिवसेना का चुनावी मुद्दा है, लेकिन आप सभी को याद होगा कि उस वक्त मैंने नारा दिया था पहले मंदिर फिर सरकार। आज शिवसेना के सारे सांसद यहाँ मौजूद हैं। कल से लोकसभा का सत्र शुरू होने जाने वाला है और सदन में जाने से पहले शिवसेना के सारे सांसद अयोध्या में आए, रामलला का दर्शन किया, आशीर्वाद लेके कल संसद में जाएंगे और अपना करियर जो है इस बार का जो वो शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जब मैंने कहा था पहले मंदिर फिर सरकार, तो उसके बाद ये जो मुद्दा था वो पूरे देश में गर्म हो गया था। जैसे कि मान लो कि ठंडे बस्ते में पहले पड़ा था, लेकिन इसके ऊपर भी मंदिर निर्माण के लिए भी अब गति आने लगी है और हमें पक्का विश्वास है कि जल्द से जल्द यहाँ मंदिर बनेगा ही बनेगा। मैं आज दूसरी बार यहाँ आया हूँ। पहली बार जब आया था तो कुछ लोगों ने पूछा था क्या दोबारा आएंगे, लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहाँ बार बार आने जैसा दिल करता है और पता नहीं आगे कितनी बार मैं भाई यहाँ आऊंगा, लेकिन आते तो रहूंगा और मंदिर भी बनेगा। पहले भी मैंने यही कहा था कि अदालत में पिछले कई सालों से मुद्दा उसी के ऊपर चर्चा बहस होती रही है। आज भी कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं। हम सबका यही कहना है कि अब सरकार तो मजबूत सरकार है, हम साथ हैं, रोकने वाला तो कोई है नहीं। मोदी जी उनमें ये हिम्मत है और वही है सरकार जो अब वहां बसी हुई है, बन रही है। ये सरकार अगर निर्णय लेती है तो रोकने वाला कोई नहीं होगा, हम तो साथ रहेंगे और पूरे देश का हिंदू, विश्व का हिंदू इस निर्णय के साथ होगा, साथ देगा। तो हिंदुओं की एकता कायम बनी रहे और यही कारण है हमने कभी महाराष्ट्र के बाहर चुनाव नहीं लड़ा, हिंदुओं के हित के बीच में हम कभी आए नहीं। लेकिन आज और इसके पहले भी मैं अयोध्या इसलिए आया हूँ कि जिस भावनाओं से हमने गठबंधन बनाया उस भावनाओं को अगर आगे लेके जाना है तो यहाँ मंदिर तो जल्द से जल्द बनाना ही होगा। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो सरकार है हम साथ में है, सब मिलकर ये मंदिर हम बनाएं।